आपका स्वागत है मैकेनिकल सॉल्यूशन चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया जाए और पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले दोस्तों हमको एक चीज समझना पड़ेगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर दोस्तों, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, अगर बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स दिए ईंधन में खुद से आग लग जाए किसी टेम्परेचर पे, तो वह होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो दोस्तों सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का पेट्रोल का होता है वह होता है 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 280 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों डीजल का 210 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर पेट्रोल का टेम्परेचर 240 और 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो पेट्रोल में खुद से आग लग जाएगी। ऐसे ही डीजल का अगर टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स के डीजल में आग लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम पेट्रोल इंजन में डीजल को मिला दे तो क्या होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो पेट्रोल होता है वह ज्यादा घुलनशील होता है डीजल के टेम्परेचर में। और अगर हम 1 लीटर पेट्रोल को ले लें और 1 लीटर डीजल को ले लें तो जो एनर्जी होगी ईंधन डीजल इंजन की, डीजल की वह पेट्रोल से ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखिए मान लो सिलेंडर में पेट्रोल भरा है, ये कोई सिलेंडर है, आप लोग जानते होंगे कि ईंधन सिलेंडर नहीं लगता है आईसी इंजन में, अगर इसमें कोई पेट्रोल भरा हो, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो दोस्तों पेट्रोल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसका टेम्परेचर 240 से 280 के बीच में पहुंच जाए, या नियर अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ही इसका टेम्परेचर पहुंच पाता है। इसलिए हमको इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा आग लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई आपसे ये भी पूछे कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पेट्रोल का टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता जिसको द्वारा इसमें आग स्पार्क प्लग के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम इसमें डीजल डालें, ठीक है, अगर पेट्रोल इंजन है अगर हम इसमें डीजल डालें तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक तो वैसे ही पेट्रोल की एनर्जी कम है, ठीक है दोस्तों, वैसे ही पेट्रोल की एनर्जी कम है, उस पे से हम इसमें डीजल डाल रहे हैं। डीजल डालने से क्या होता है, डीजल एक तो घुलनशील कम होता है, तो यह जो डीजल है वह इसमें घुलेगा ही नहीं, एक तो इसकी एनर्जी कम है, इसका टेम्परेचर कम है और डीजल घुलनशील कम होता है, तो डीजल इसमें घुलेगा ही, मतलब जो ईंधन है दोनों का मिश्रण वह इग्नाइट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपका इंजन जो है स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पेट्रोल इंजन में हम डीजल मिला रहे हैं तो आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, बाय चांस स्टार्ट हो भी गया तो चल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल का टेम्परेचर कम है और डीजल हम डाल रहे हैं, डीजल घुलनशील नहीं होता, डीजल इसमें घुलेगा नहीं, तो ईंधन का कंबंशन आसानी से नहीं होगा, जिससे आपका जो है इंजन स्टार्ट नहीं होगा, बाय चांस स्टार्ट भी हो गया तो चल नहीं पाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें डीजल भरा है, अब देखिए दोस्तों क्या होगा, डीजल का टेम्परेचर 210, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डीजल में एनर्जी ज्यादा होती है जिस वजह से डीजल 210 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी को पा लेता है, इसलिए इस डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यह 210 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और यह सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, इसलिए इसमें स्पार्क प्लग का यूज नहीं किया जाता। अब दोस्तों देखिए, अगर इसमें हम पेट्रोल डालें डीजल इंजन में तो क्या होगा, एक तो इसकी टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड है,
ठीक है दोस्तों, और इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है पेट्रोल कंप के कंपैरिजन में। और पेट्रोल अगर इसमें हम डालें तो पेट्रोल आप जानते हैं कि ज्यादा घुलनशील होता है, तो ये जब इसमें हम पेट्रोल डालेंगे तो ज्यादा घुलनशील, घुलने के बाद इतना अच्छा कंबेंशन होगा कि मतलब जितना हमको नहीं चाहिए उससे ज्यादा कंबेंशन हो जाएगा। इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि नॉकिंग शुरू हो जाएगी। नॉकिंग क्या होता है दोस्तों, नॉकिंग अगर जिस रेशियो पे हमें मिक्सचर को जलाना है उससे पहले ही अगर पेट्रोल ईंधन जल जाए तो गाड़ियों में आपने कभी कभी सुना होगा चट चट की आवाज आती है, ठीक है, तो उसे हम नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉकिंग शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपकी जो एनर्जी होगी ईंधन की वह बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका इंजन तो स्टार्ट होगा दोस्तों और चलेगा भी, लेकिन इतना ज्यादा ही इंजन के पार्ट्स आपके गर्म हो जाएंगे कि आपका इंजन सीज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अगर हम पेट्रोल इंजन को, पेट्रोल इंजन में डीजल डाले और डीजल इंजन में पेट्रोल डाले तो उसका क्या इफेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही बना के देता रहूंगा। थैंक्स।